दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों. द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फोर विच द सम ऑफ द सीरीज दिस टर्म इज नॉट लेस देन दिस मच. ठीक है बच्चों, तो एस एन इज इक्वल टू आपका रहता है एन डिवाइड बाई टू टू ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी. अब हमने क्या करना है, 670 से जो है मेरा सम जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम ये रहे, तो मैं मिनिमम यही लेट कर लेता हूँ. लेट से एन डिवाइड बाई टू ए इज 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन माइनस 1 डी, डी इज 3, दिस इज पॉजिटिव 3 3, राइट. चलो जी सोल्व करने की ट्राई करते हैं. इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 670 मल्टीप्लाई 2 बी इक्वल टू एन इन टू दिस इज 10 प्लस 3 एन माइनस 3, राइट. और आप इसको कह सकते हो कि दिस वुड बी 0, 7 टू ज 14, 1 कैरी 12 और 1 13, 13 40 वुड बी इक्वल टू 7 एन प्लस 3 एन स्क्वेयर के बच्चों मेरा रहता है. ठीक है जी, आप अगर इसको जस्ट मैनेज करते हो इट विल कम्स आउट टू बी 3 एन स्क्वेयर प्लस 7 एन इज इक्वल माइनस 1340 शुड बी इक्वल टू मेरा 0 बच्चों यहाँ पे रहता है. ठीक है जी, तो इन शॉर्ट बच्चों यहाँ पे मुझे एक वैल्यू चाहिए जो इसको जो है सेटिस्फाई कर पाए, या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ अगर यहाँ से 0 हटा देता हूँ जस्ट इसके क्लोज रहे. ठीक है, ऐसी वैल्यू जो जस्ट इसके क्लोज हो, राइट. तो आप यहाँ से वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो. अगर मैं 20 वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ तो ये 412 प्लस 140 जो मेरी 1340 रहता है. तो आप लोग यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, n विल बी इक्वल टू 20 रहेगा, तो मिनिमम जो वैल्यू रहेगी बच्चों वो 20 रहने वाली है.